संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। दशरूपकम का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज दशरूपकम में अर्थ प्रकृतियों के बारे में जानेंगे। अर्थ प्रकृतियां जो होती हैं वो पांच होती हैं और अर्थ प्रकृति का सीधा सीधा तात्पर्य होता है प्रयोजन सिद्धि हेतुवा। प्रयोजन यानी कि फल, फल की जो सिद्धियों के कारण होते हैं अर्थात जिनसे फल की प्राप्ति होती है वो अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये फल हैं रूपक के। कौन कौन से फल होते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके मुख्य रूप से रूपक के तीन फल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम। ये तीन फल होते हैं। इन तीनों फलों में किसी किसी रूपक में एक होता है, किसी रूपक में दो होते हैं, किसी रूपक में तीनों होते हैं। इन फलों की जो प्राप्ति के साधन हैं या प्राप्ति का जो कारण है, हेतु है, वो ही अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत माना जाता है। अर्थ प्रकृतियां होती कितनी हैं? बीज बिंदु पताका क्या प्रकरी कार्य लक्षण, अर्थ प्रकृतिया पंच ता एता परकीर्तिता। ये इस तरह से इसमें बोला गया है, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, ये पांच अर्थ प्रकृतियां होती हैं। प्रकृतिया पंच ता एता प्रकृतिया अर्थात ये पांचों प्रकृतियां जो हैं वो अर्थ प्रकृतियों के नाम से मशहूर हैं। ये पांच कौन कौन सी? बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य, ठीक है। अब सबसे पहले हम बीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। बीज जो है सूक्ष्म रूप से होता है, किसी भी अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखें या जीवन में थोड़ा सा झांक करके देखें तो जितना बड़ा पेड़ होता है बीज उसका भी बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे पीपल है, बरगद है, इनके बीज भी इतने सूक्ष्म होते हैं देखने से पता चलता है कि एक छोटे से उसमें फल में हजारों के लाखों की तादाद में बीज होते हैं और एक बीज में इतनी शक्ति होती है कि वो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बना देते हैं। ऐसे ही किसी भी बात को सूक्ष्म रूप में पहले से ही इंगित कर देना बीज कहलाता है। वो बाद में जाकर के परिणति होती है उसकी और वो अनेक रूप से वो विस्तृत हो जाता है। इसी प्रकार इसमें भी बोला गया है, स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतु बीजम विस्तारे अनेकधा। देखिए यहाँ पर तद हेतुर बीजम, तद हेतु उसका हेतु है, किसका? उसका, इस फल का, इन फल का जो हेतु है, अच्छा कारण है, जिसका सूक्ष्म रूप से, स्वर्प का मतलब यहाँ पे सूक्ष्म लिया जाएगा, सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं इसका सू में ही या किसी एक जगह शुरू कर दिया जाता है, अगर सूक्ष्म रूप से उसके बारे में बता दिया जाता है कि यह भविष्य में होने वाला है या इस तरह से इसमें कहानी होगी और ये इसके बारे में चर्चा बहुत सूक्ष्म रूप से कर दी जाए किसी दूसरे के माध्यम से, पता भी नहीं चलता कि इस चर्चा किसके विषय में की जा रही है। इस तरह से इसको स्वल्प बोला गया है। अगर इसकी व्याख्या ना करी यहां सही से तो ये पता भी नहीं चलेगा ये किस चर्चा किसकी कर रहे हैं। वही बीज कहलाता है, विस्तार अनेकधा, और उसका जो विस्तार है अर्थात जो बीज है जो सूक्ष्म से जिसका जिसकी चर्चा की गई है, ऐसी कोई बात जो मुख्य कथा को कहीं ना कहीं जोड़ती है या मुख्य कथा से कहीं ना कहीं वो संयोग रखती है, ऐसी बात को बाद में जाकर के अनेक प्रकार से आप बड़ा हुआ देखेंगे अर्थात वो विस्तृत हो जाती है। जैसे पेड़ होता है, बीज होता है, छोटा सा पेड़ पौधा बनेगा, उसके बाद में वो धीरे 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 जब बड़ा होगा तो उसकी शाखाएं पर शाखा अनेक प्रकार से निकल जाती हैं। ऐसे ही बीज का भी होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, रत्नावली नाटिका है, रत्नावली नाटिका में उदयन
राजा हैं उनसे जो प्रेम करती है, उसकी जो प्रेमिका है रत्नावली, सागर का नाम है उसका, उसकी कहानी है। योगेंद्रायण येन केन प्रकारेण उसको मिलाना चाहता है, उसे शादी कराना चाहता है। उसके बारे में सूत्रधार ने शुरू में ही कुछ चर्चा की है। एक सूत्र, एक श्लोक के माध्यम से ये हम जानने का प्रयास करें तो समझ में आएगा कि इसमें बीज रूप में मौजूद है ये चीजें, क्योंकि सागरिका वहां मौजूद नहीं है, लेकिन उससे कैसे शादी कराएंगे योगेंद्रायण इसके बारे में कोई किसी प्रकार से नहीं जानता, लेकिन बीज रूप में यहाँ बता दिया है। द्वीपाद अन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधिर दिशोप्यन्तात् आनीय झटति घटयति विधिर अभिमत अभिमुखी भूतः। विधि मतलब भाग्य, या विधि मतलब ईश्वर भी लगा सकते हैं, भाग्य को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं। यदि भाग्य अनुकूल हो, अभिमुखी भूत हो, आपके पक्ष में हो भाग्य, तो वो कैसा होता है, वो क्या कर सकता है, द्वीपाद, द्वीपाद अनस्मादपि, किसी भी द्वीप में कोई वस्तु क्यों ना हो और भाग्य चाहता है कि उससे आपका मिलन हो जाए, या वो मिल जाए तो दूसरे द्वीप से भी ला करके वो आपको मिला देता है, क्योंकि द्वीप साथ हैं, उनमें से किसी भी द्वीप पर कोई वस्तु क्यों ना हो वो आपको किसी न किसी कारणवश या किसी न किसी के द्वारा वो आपको प्राप्त हो ही जाएगी, यदि कैसा भाग्य अनुकूल होता है तो। मध्यादपि जलनिधे, सागर के बीचों बीच में ही क्यों ना हो, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, यदि उसके बीच में भी कोई वस्तु पड़ी हुई है और भाग्य चाहता है कि उसको आप भोग करें, वो आपको मिले और भाग्य आपके अनुकूल है, तो वो सागर के बीच से भी वो आपको ला करके मिला देता है, दे देता है। दिशो अपि अंतात, दिशाओं के, दसों दिशाओं के किसी भी छोर पर क्यों ना हो, उसको भी ला करके वो आपको दे देगा। आनीय लाकर, झटती तुरंत घटयती, मिला देता है। आनीय झटती घटयती, ला करके तुरंत मिला देता, कौन, अभिमुखी भूता विधि, अभिमत अभिमुखी भूता, अर्थात जो अनुकूल भाग्य है वो आकर ला करके वस्तु को जो आपसे मिलना चाहते हैं या जो आपके भाग्य में है वो आपको दे ही देगा। तो ये बात तो की गई है किसी और के विषय में, लेकिन यहां पर सूक्ष्म रूप से बहुत छुपे हुए रूप में कहीं ना कहीं सागरिका की भी चर्चा कर दी गई है, क्योंकि ईश्वर अगर चाहेगा तो रत्नावली की शादी किसके साथ, उदयन के साथ हो ही जाएगी। इस तरह से इसमें सूक्ष्म रूप से इसमें बात चर्चा की गई है, और बाद में हम देखते हैं ये केन प्रकारेण योगेंद्रायण उनकी शादी उदयन से करा ही देते हैं। आगे देखिए, बिंदु, बीज बिंदु, बिंदु के बारे में एक शब्द और प्रयोग किया गया है, अवांतर बीजम, इसका दूसरा नाम क्या है, अवांतर बीज। अवांतर बीज को यहां यूं कहे कि दूसरा ही नाम बिंदु है, तो बिंदु के बारे में कहा गया अवांतरार्थ विच्छेदे, अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु विच्छेद कारणम, अवांतरार्थ विच्छेदे, अवांतरार्थ का मतलब देखिए, एक तो होता है मुख्य प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन, ठीक है, और दूसरा होता है गौण प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन मतलब मुख्य कथा, रत्नावली में मुख्य जो कथा है वो कथा है उदयन और सागरिका की शादी, उनका मिलना। गौण प्रयोजन अनेकों हो सकते हैं, मुख्य प्रयोजन एक ही होता है, जैसे रामायण में गौण प्रयोजन अनेकों हैं, मुख्य प्रयोजन सीता और राम का मिलन है, ठीक है। तो
अवांतरार्थ विच्छेद जो किसी अन्य प्रयोजन से मुख्यता के नहीं किसी अन्य यानी गौण प्रयोजन से अर्थ मतलब के लिए है ना, अवांतरार्थ दूसरे किसी अन्य प्रयोजन के लिए विच्छेद विच्छेद हो जाए, अवांतरार्थ विच्छेद बिंदु छेद कारणम, कोई कहानी चल रही है कोई कथा चल रही है उसमें कोई दूसरी छोटे सा इसमें कहानी जुड़ जाए कथा थोड़ी सी जुड़ जाए तो मुख्य जो धारा होती है मुख्य कथा जो होती है वो उससे कट जाती है, विच्छेद हो जाता है उसका, हट जाती है, उसको जोड़ने का जो काम करता है वो ही बिंदु कहलाता है, अवांतर बीज कहलाता है, ठीक है ना, अवांतर बीज बोलते हैं, बिंदु का दूसरा ही नाम अवांतर बीज है, या हम कहें कि अवांतर का ही दूसरा नाम बिंदु है। तो बिंदु कौन सा है जो उसमें से मुख्य धारा में से काट करके अवांतर प्रयोजन हुआ अवांतर कार्य हुआ उसको मुख्य धारा को फिर दोबारा जोड़ने का जो काम करता है वो बिंदु करता है। इसमें भी रत्नावली में ही इसमें कहा गया है मुख्य धारा में कथा चल रही है इसी दौरान जो उदयन की पत्नी होती है वो कामदेव की पूजा करने के लिए बगीचे में आती है तो उदयन की पूजा भी उसमें ही सम्मिलित कर दी जाती है, उदयन की पूजा को उसमें एक तरह से कामदेव के रूप में ही उदयन को उन्होंने पूजा है और कामदेव की जब पूजा करते हैं तो जो मुख्य जो कथा चल रही थी उदयन की वो उसमें से उसका विच्छेद हो जाता है, अर्थात कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि ये मुख्य हो गया और जो धारा बह रही थी रत्नावली की वो कट जाती है। उसको जोड़ने के लिए एक वाक्य चलता है एक उसके द्वारा रत्नावली के द्वारा ही, क्योंकि रत्नावली उसमें जो है बगीचे में ही छिपी हुई है केलों के पत्तों के पीछे से सारी पूजा को देखती है, पूजा को देखने के बाद उसकी नजर किसी कारण से मतलब उदयन के ऊपर पड़ती है क्योंकि उदयन के बारे में कुछ वाक्य बोले गए हैं तो उदयन को वो जान जाती है कि यही है उदयन, तो उन्होंने यह बोला है इसमें कथम यशासा उदयन नरेंद्रो यस्याहम तातेन दत्ता, अर्थात क्या यही वे उदयन है उदयन नरेंद्र राजा उदयन है यस्य अहम जिसको मुझे तातेन दत्ता मेरे पिता ने दिया है अर्थात मेरे पिता ने इनको सौंपा है, क्या वो यही उदयन है, पहली बार उनको बगीचे में देखती है। कामदेव की पूजा के कारण जो मुख्य कथा थी उसका विच्छेद हो गया था लेकिन ये लाइन बोलते ही ये पंक्ति बोलते ही यह वाक्य बोलते ही जो विच्छेद आया था उसको दोबारा से अपनी मुख्य धारा में प्रवेश करा जाते हैं, इसलिए इसको हम बिंदु के रूप में भी जानते हैं, अर्थात इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, पताका के बारे में हम पिछले वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं सारबंधम पताका ख्या, अर्थात जो मुख्य कथा है उसमें किसी कारण से दूसरी कथा का जुड़ जाना ही पताका कहलाता है और वो बहुत लंबे समय तक साथ में चलती है सानबंध पताका। रामायण का इसमें उदाहरण दिया है, रामायण में जो मुख्य कथा है वो राम और सीता की है लेकिन सुग्रीव की जो कथा है कहानी है बीच में जुड़ती है और वो अंतिम तक सुग्रीव का साथ रहता है, उनकी जो कथा है सानबंध पताका यानी वो पताका के अंतर्गत रखी जा सकती है। ऐसे कह रहे हैं ये प्रकरी चा प्रदेश भाग, और ये प्रकरी है पताका के बाद आता है प्रकरी, प्रकरी चा प्रदेश प्रदेश भाग मुख्य कथा और उसके बाद में जो लंबे समय तक चले वो पताका और केवल स्थानीय कोई भी प्रकरण आ जाए वो क्या कहलाता है प्रकरी कहलाता है। स्थानीय कैसे होता है, जैसे सबरी की कथा है बहुत सूक्ष्म है उसमें थोड़े से स्थान पर ही दी गई है, जटायु की कथा है बीच में ही
तो थोड़े से स्थान में है। इस तरह की छोटी छोटी जो कथाएं आ जाती हैं, कहानियां आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं उसमें, वो प्रकृति के अंतर्गत मानी जाती हैं। ठीक है, ये चार तो इनकी परिभाषाएं हैं, लेकिन अब आते हैं कार्य। कार्य की स्वयं की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, कार्य के पांच भाग कर दिए गए हैं और उनकी फिर परिभाषाएं विस्तृत रूप से दी गई हैं, तो हम उसको अगली बार देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कार्य में पांच अवस्थाएं हैं कार्य की, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नितापति फलागमा, इस तरह से बोला गया है, यानी आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नितापति फलागम, ये पांच कार्य की अवस्थाएं हैं और इनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।